पर शब्दों की मर्यादा भूल गए राहुल। कर डाला प्रधानमंत्री का अपमान, मचा घमासान। मोदी ने हाथ जोड़कर दिया ऐसा जवाब, दंग हुआ देश। कांग्रेस के सहजादे अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। चुनावी दंगल में सियासी पारा इस कदर हाई हो गया है कि नेता कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे अपना जमीर ही क्यों ना दांव पर लग जाए। अब कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी को ही देख लीजिए, बीजेपी के चुनावी तीरों से इस कदर बौखलाए, जनाब शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर मंच पर ठहाके मारते नजर आए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ ही निचले स्तर की राजनीति शुरू कर दी। जी जनाब, भूलकर राहुल गांधी तो छूटते ही तू तड़ाक पर उतर आए, तो आगे कुछ बताएं। पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। ऐसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। राहुल गांधी जोश जोश में होश ही खो बैठे। उन्हें लगा कि उनके इस तरह के बयान से कांग्रेस ऊंचाइयां छू लेगी, चुनावी रैलियों में कांग्रेस की ताकत बढ़ जाएगी, उनकी तारीफों के पुल बंधेंगे। लेकिन राहुल गांधी भूल जाते हैं, वो जब जब मुंह खोलते हैं कांग्रेस के लिए खाई ही खोद देते हैं। चाहे फिर मशीन से आलू डालो सोना निकालो वाला बयान ही क्यों ना हो, ऐसा ही इस बार भी हुआ। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक चारों तरफ से लोगों ने राहुल गांधी को घेर लिया है। पीएम मोदी के साथ की गई उनकी तू तड़ाक पर सवाल उठा दिए हैं। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर राहुल गांधी पर जो वार किया, उससे कांग्रेसियों में भगदड़ ही मच गई। क्योंकि जितने असभ्य तरीके से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा, उतने ही सभ्य तरीके से पीएम मोदी ने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। कांग्रेस के सहजादे अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा, गाली देने वाले नामदारों को जवाब काम से दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई बार राहुल गांधी पे किए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लक्ष्मीकांत भारद्वाज के ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने लिखा था, गांव की बिना पढ़ी लिखी महिला ईवीएम पर मोदी जी की फोटो ढूंढ रही है और एक वो बदमिजाज है जो सोचता है कि वो तू तड़ाक से बात कर मोदी को हरा देगा। मोदी जी जनता के दिलों में राज करते हैं, पता नहीं इस भ्रष्ट परिवार को ये बात कब समझ में आएगी। अब बीजेपी नेता को राहुल गांधी को आईना दिखाई देर हुई नहीं थी कि पीएम मोदी ने तुरंत इस ट्वीट को रीट्वीट कर सभ्य तरीके से ही बिना नाम लिए कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी। पीएम मोदी ने तुरंत ट्वीट किया और लिखा, माता बहनों के इस स्नेह को देखकर मेरी आंखों में आंसू है, संकल्प ही है इस कर्ज को उतारने का, लेकिन लक्ष्मीकांत जी ये हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम इन बारीकियों पर ध्यान दें, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें। मोदी जी के वार बीजेपी के पलटवार ने कांग्रेसियों का सारा खेल खराब कर दिया है। खैर, राहुल गांधी शायद वो दिन भूल गए जब मोदी सरनेम पर बदजुबानी से उनकी लुटिया ही डूब गई थी। इस केस में न सिर्फ राहुल गांधी को सजा मिली बल्कि उनकी सांसद सदस्यता तक चली गई थी।
जिसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाना पड़ा और संसद सदस्यता वापस मिली। ऐसे में अब राहुल गांधी ने फिर से गलती कर दी है, वो भी चुनावी मंच पर, जिसका नतीजा अब राहुल गांधी को 4 जून को देखने को मिल सकता है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।